मॉर्निंग एवरीवन। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है क्योंकि आज टीच है और टीच के टाइम पर मैं आई हूँ अपने कॉलेज में क्योंकि मुझे कॉलेज में कुछ काम था। और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं अभी खाने जा रही हूँ कुछ कमला नगर मार्केट हमारे कॉलेज से पास है, तो वहाँ पर कुछ खाने जा रही हूँ। और मेरे साथ में है मेरी फ्रेंड, तो हम दोनों मिलके कुछ खाने जा रहे हैं और थोड़ा हमारा क्वालिटी टाइम भी हमें मिल जाएगा क्योंकि लॉकडाउन के बाद से हमें इतना साथ में टाइम नहीं मिला है कभी। तो फाइनली हम जा रहे हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और खाना भी खाएंगे, तो मिलते हैं आपसे बाद में, बाय। तो हम पहुंच चुके हैं कमला नगर मार्केट, यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं और खाने पीने के लिए भी। तो पहले हम खाएंगे, उसके बाद में रेखा को कुछ शॉपिंग करनी है तो हम शॉपिंग भी करेंगे। मेरी शॉपिंग तो हो गई क्योंकि तीज था, तो तीज के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, तो अभी मैं तो शॉपिंग नहीं करूँगी, बट हम रेखा के साथ जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। और उससे पहले हमें भूख लग रही है क्योंकि हम जल्दी आ गए कॉलेज में कुछ खाए पिए बिना, तो हम सोचे यहाँ पर पहले रेस्टोरेंट पर कुछ खा लेते हैं उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे। मेरे लिए मॉल मिला है, अब हम इंडिविजुअल रेस्टोरेंट की वजह इस मॉल में ही चले जाते हैं, तो इधर वैरायटी होगी फूड कोर्ट में, तो उधर से हमें जो पसंद होगा वो हम खा लेंगे, तो हम इसमें जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं मॉल में, रेखा चल रही है आगे आगे, इधर देख सकते हैं आप हल्दीराम्स, वो मोमो, सागर दत्ता, ये सब चीज़ें खाने के लिए। चलते हैं कुछ खाने के लिए। हमारा पाइनएप्पल शेक, तो रेखा पी के बताएगी रेखा को कैसा लगा। वेरी टेस्टी, मैं भी पी के देखती हूँ। हाउस टेस्ट, बहुत बहुत अच्छा। अरे इतना अच्छा पाइनएप्पल शेक कभी नहीं पिया। तो हमने जो खाना ऑर्डर किया था वो भी आ चुका है, तो ये है खमीरी रोटी और ये है पनीर टिक्का, ये है दाल और वो है पनीर की सब्ज़ी, ये है ज़ीरा राइस, ये है खीर और ये है रायता। तो हम लोगों ने ये थाली ऑर्डर करी है, वेज थाली, क्योंकि अभी सावन है ना, तो हम अवॉइड करते हैं। वैसे तो हम खा लेते हैं नॉन वेज, बट मोस्टली हम अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि अवॉइड कर पाएँ जब जब हो सकता है, तो हमने वेज थाली मंगाई है। तो अब हम खाते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में, बाय। तो हम आए हैं शू की शॉप में, रेखा है शॉपिंग करती हुई, उसको एक्चुअली शूज़ ख़रीदने थे तो वो ख़रीद रही है। मैंने ऑलरेडी शॉपिंग कर ली है तो मैं नहीं ख़रीदूँगी, और फिर मैं जाऊँगी घर पे, मुझे जाना है, तीज है आज, घर पे जाके तीज भी मनाएंगे, तो यहाँ से फ्री होके फिर मैं वहाँ जाऊँगी। तीज की तैयारियाँ शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं चेयर वगैरह सब लगी हुई है, अभी सारे मेहमान आए नहीं हैं, शुरू होंगे आना, अभी नहीं आए हैं। एंटियाँ बैठी हुई है मेरी, बाद में इंट्रोड्यूस करवाऊँगी इनसे। चे हमारा सामान लाते हुए, ये देखो तैयारियां शुरू हो रही है, धीरे धीरे लोग सब आ रहे हैं। और ये आंटी है, देखो अच्छी लग रही है आंटी, ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है आंटी, आशीर्वाद देते हुए, ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। ये मेरे पति देव आते हुए, ये मम्मी कपड़े रखते हुए, जो मेरे ससुराल से आए हैं वो सारे कपड़े मम्मी यहाँ पर रख रही है, क्योंकि अभी जो सब आंटियाँ आएगी वो सब देखेंगी ये कपड़े, तो मम्मी रखते हुए। अभी पूरे जचे नहीं है, जचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। जैक और उसके जीजू खेलते हुए पानी पिएगी जैकी, नहीं पिएगी, ऐसे ही आ गया, चल जाओ आप जाओ। तो ये सब कपड़े देखते हुए, जो हमारे ससुराल से आए हैं वो कपड़े देखते हुए, ये सब मिठाइयाँ हैं, उधर कपड़े रखे हुए हैं, इधर मिठाइयाँ एंड फ्रूट्स रखे हुए हैं इधर। अब जैसे जैसे सब आते जाएंगे लेडीज़ वो देखती जाएंगे। तो मोस्टली लेडीज़ लहरिया की साड़ी पहनकर आई है क्योंकि तीज पर लहरिया पहना जाता है।
और यहाँ एक दूसरे के कपड़े और ड्रेस और मेकअप देखती हुई लेडीज़ और पूछते हुए कि कहाँ से लिया, या मेकअप है तो मेकअप कहाँ से करवाया, ऑल लेडीज थिंग। तो ये आंटी देखती हुई, अब आंटी आई है दूसरी और ये मेरे कपड़े वापस ही देखते हुए, तो ऐसे ही करके धीरे धीरे और जो लोग आते जाएंगे। मैंने मेरी लीड भी रखी है यहाँ पर, ईयरफोन्स रखे हैं, तो वो भी दिखाने के लिए कि वो भी आया है। एक्चुअली में वो बस ऐसे ही मेरा प्रैंक था, मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो उसी का फन बना रहे हैं सब कि हेडफोन भी आए हैं तुम्हारे ससुराल से। एक दूसरे के चूड़ा और साड़ी और ये सब देखते हुए लेडीज, तो अब इन लोगों ने डिसाइड किया है जो लहरिया की साड़ी और नई साड़ी पहन के आ गई है, तो जो हमारी तरफ मम्मी और आंटी ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी, अब सब मिलके दोबारा से डिसाइड कर रहे हैं कि हम साड़ी पहनेंगे। तो अब सब साड़ी पहन के दोबारा से एक बार नए कपड़े दोबारा से पहन के आएंगे और फिर इधर डीजे वगैरह लगेगा तो सब डांस करेंगे। अब आंटी आई है मेरी आंटी, तो अब ये आए हैं, ये भी देख रहे हैं, ये जो ज्वेलरी आई है वो देख रहे हैं और वो कपड़े रखे हुए हैं, ये फ्रूट्स एंड मिठाई जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये आंटी वापस से कपड़े देखते हुए, अब शाम तक ऐसे ही चलता रहेगा, जो जो आते रहेंगे वो सब ये दिखावा होता रहेगा। मेरी आंटी है, ये मेरे वीडियोस हमेशा देखती है, इनका नाम है पिंकी आंटी, इनका भी चैनल है, वो भी आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आप मुझे बताओ आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आंटी को मेरे वीडियोस पसंद है, तो मेरे वीडियोस में भी लाइक शेयर और कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे फंक्शन में, अभी आंटी कुछ काम तैयार नहीं है, अभी हम तैयार हो, हाँ अभी हम रेडी होके आएंगे, मैं भी साड़ी पहनूंगी और आंटी भी मस्त सी साड़ी पहनेंगे, फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। Oh, yeah.
काफी थक गए तो सोचा कपड़े चेंज कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो साड़ी वगैरह मैंने खोल दी है, रिकॉर्डिंग मैंने डांस की रिकॉर्डिंग होगी मेरी वो मैं डाल दूंगी। बाकी मैं साड़ी में बात करते हुए नहीं बना पाई और अपना लुक नहीं दिखा पाई, लेकिन अब मैंने सूट पहन लिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये मेरा बिग फैन तो है। जो अभी आके गया है हाय बोल के गया है वो है तो ये मेरे सारे वीडियोस देखता है और ये मेरे को बहुत पसंद करता है और ये है मेरे पति ने
मम्मी और आंटी है, शाम हो गई है, सबको थोड़ी सी चाय पी रही है, तो यहाँ पे चाय बनाई जा रही है और अब ये बाहर लेकर आएंगी आंटी सबको, जो भी मेहमान आए हैं, जो भी डांस कर रहे हैं, सब जो भी है उनको ये चाय दी जाएगी। ये देखे आंटी ने क्या लहरिया पहन रखा है, हाउ ब्यूटीफुल ना, तीज का लहरिया होता है। और मम्मी ने भी बहुत ब्यूटीफुल से कपड़े पहन रखे हैं, साड़ी पहनी हुई है। एंड डोंट माइंड द किचन, क्योंकि अभी बहुत सारे, क्योंकि हाँ ये राजस्थानी कल्चर है, और किचन को माइंड मत करिएगा क्योंकि अभी फंक्शन हो रहा है, तो सबके घर में फंक्शन में ऐसे ही किचन रहता है, बहुत सारा सामान बनता है, इसलिए ऐसे ही हो जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आंटी की चाय किसको मिल गई है। बच्चे कुछ बोल रहे हैं लास्ट में जाते जाते, आप इनकी बात सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। तो आप लोगों ने सुन लिया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।